दिल्ली में भीषण गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने आज से राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के द्वारा 2 मई तक हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं नितिन जवारी और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। दिल्ली में कोरोना के मामले तो डरा ही रहे थे, साथ ही अब भीषण गर्मी भी चिंता बढ़ा रही है। राजधानी दिल्ली में रोजाना तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इसकी वजह से मौसम विभाग ने आज से दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और साथ में मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 2 मई तक दिल्ली में हीट वेव जारी रहने वाली है। वैसे दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। जो गर्मी हमें मई जून में देखने को मिलती थी, वह गर्मी अब हमें अप्रैल में ही देखने को मिल रही है। इस बार अप्रैल में ही वह तापमान दर्ज कर लिया गया है जो मई जून में देखने को मिलता था। साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के कुछ इलाकों में 30 अप्रैल तक हीट वेव जारी रहने वाली है। विभाग के अनुसार मई के पहले हफ्ते में ही गर्मी से मिल सकती है राहत। बारिश का अनुमान जताया गया है, लेकिन अभी कुछ राज्यों में बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से घंटों तक बिजली नहीं रहती, जिसके अलावा गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिल पा रही। वैसे बहुत जल्द पूर्वोत्तर राज्यों से बड़ी मदद मिल सकती है। अगर मौसम विभाग के अनुमान सही रहा तो 30 अप्रैल और 1 मई को अरुणाचल प्रदेश से तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी 1 मई को बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में मजबूरी हो रही है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। बने रहे हमारे साथ।